सबसे पहला अपना परिचय। मैं प्रखंड प्रमुख मनोज सिंह संजोली, जी जो जल जीवन हरियाली हमारे सरकार की तरफ से जो योजना चल रही है उसके तहत हमारे प्रखंड के जितने भूमिहीन व्यक्ति क्षेत्र भ्रमण के समय में हम लोग देखें, इसे तो जल जीवन हरियाली बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत हम लोग को भी जो भूमिहीन व्यक्ति भी हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। सर, जैसा सुनने में आया है कि इस कार्यक्रम को लेकर के आप लोग डीएम के पास में गए हुए थे। जो हम लोग इस 35-30 क्षेत्र के भ्रमण के देखते हुए हम लोगों ने देखा कि भूमिहीन व्यक्ति हमारे जो हैं यहाँ से जाने के लिए उब्र है, इसलिए इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग जिला परिषद बैठक में भी इस प्रस्ताव को पास किया कि जब तक हम लोग का भूमिहीन व्यक्ति का जमीन नहीं देते, उसको रहने की व्यवस्था नहीं करते जी, तब तक हम लोग विचारधारों से पारित भी किया गया जी, कि नहीं, उन लोग को व्यवस्था करके ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसका, तो इसका लास्ट डिसीजन क्या लिया गया डीएम साहब के माध्यम से? लास्ट डिसीजन ये लिया गया कि नहीं, उन लोगों को व्यवस्था करके ही काम किया जाएगा। उसको प्रसोडिंग भी पास हुआ जी, और वादा भी किया गया कि नहीं, उस व्यक्ति को कहीं जाने नहीं दिया जाएगा। हम लोग भी इस विचार को रखा कि बहुत कठिनाइयां और एकदम 2 माह तक उन लोग को ठंड के लेकर, और जब तक व्यवस्था हम लोग नहीं करते हैं उस भूमिहीन व्यक्ति को जो आहार स्थिति में बसे हुए हैं उन लोग को घर तोड़ने से हम लोग रोका जाएगा जी। और अतिक्रमण तो किया हुआ है, लेकिन अतिक्रमण को भी सरकार की तरफ से बहुत अच्छा योजना है, जल ही जीवन हरियाली मनुष्य का बहुत अच्छा उद्देश्य भी है। लेकिन ये गरीब तबके के लोग मारल विराट जाएंगे, जब तक हम लोग उस गरीब तबके के आदमी को व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक संजौली प्रखंड में वादा करता हूँ ऐसा कार्य नहीं होने। धन्यवाद। हमारे सभी जिला परिषद सदस्य जी, सभी प्रमुख गण, सभी हमारे वरीय पदाधिकारी जिला के, सभी लोग उपस्थित। और ये सब प्रोग्राम कहाँ पर हुआ था? DRDA सासाराम जो सभाकर है उसमें हम लोग को 3 माह 2 माह पर अनुसरण समिति है, मतलब कौन तरह का कार्यक्रम उसी DRDA भवन सासाराम में होता है, उसी में।